आज मजदूर दिवस है और आज ही के दिन रेलवे मंत्रालय द्वारा मजदूरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ कुमारी काजल। राज्य सरकार की मांग पर रेलवे मंत्रालय ने एक स्पेशल ट्रेन चलाया है जो कि आज सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगम पैली से रवाना हुई और यह ट्रेन आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। बता दें कि झारखंड और तेलंगाना सरकार लगातार ऐसे स्पेशल ट्रेन की मांग कर रही थी और आज यह मांग पूरी हो गई। केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद कई मजदूरों ने के अंदर उम्मीद की एक किरण जगी कि वे अपने अपने घरों में जा पाएंगे। बता दें कि इतने दिनों के बाद आने की 37 दिनों के इंतजार के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को उनके अपने राज्यों में पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लगातार मजदूरों के अंदर यह उम्मीद लगी हुई है कि वे अपने राज्य पहुंचेंगे। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह राज्य सरकार की मांग पर एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। लोग यह ना समझें कि ट्रेन को खोल दिया गया है। जी नहीं, रेल को नहीं खोला गया है। यह एक स्पेशल ट्रेन है जो राज्य सरकार की मांग पर खोला गया है। इसीलिए इस ट्रेन को खोलने के साथ साथ कई सारे नियमों को भी पालन करते हुए इसे खोला गया है और मजदूरों के अंदर एक आशा जगाई गई है कि वे अपने घर अच्छे से पहुंच पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि बाकी राज्यों में जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी या फिर नहीं? इसी के साथ देखते रहिए समाधान इंडिया।